पहले से और इसमें फेल हो गया। कुछ व्यवस्था नहीं है अभी तक। 40 आदमी बाहर जाते हैं, हम चले जाएंगे। दिक्कत सर ये है कि आज जो है 11 तारीख से हमारे आदमी अंदर फंसे हुए हैं और यहाँ पे दुनिया भर का प्रशासन आ गया, सबको जा गया, लेकिन यहाँ पे जो है कोई मशीन सही नहीं है, कोई कर्मचारी वहाँ ढंग से काम नहीं कर रहा और वहाँ हमारे आदमी फंसे हैं। आज 5 रात हो गए उनको बाहर निकालने में। एक मशीन लाई, वो बोले मशीन खराब हो गई, अब नया मशीन आई, वो दिल्ली से आ रहे हैं अभी। सबकी कमी है, प्रशासन कमी है, कंपनी कमी है, प्रशासन और भी लोग आ रहे हैं, काय के लिए आ रहे हैं यहाँ प्रशासन। ये यहाँ रात को एक नहीं दिखाई देते, रात को सारे भाग जाते हैं, रात को कहाँ जाते हैं प्रशासन। सर हमारा यहाँ बोल रहे हैं आप, मैं राम निवास बिजलवान इस नवोदय इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ पर अभी कार्य आप देख रहे हैं अभी बिल्कुल जो है जीरो उस पे है। हम ये चाह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जो है बाहर निकाला जाए। हमारे साथ क्या मेन मुद्दा वही है कि इनको जल्दी से जल्दी जो है बाहर निकाला जाए, नहीं तो हम यहाँ पर काफी वो हंगामा करेंगे। मैं ग्राम प्रधान वार्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ सर्वप्रथम मैं जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी मैं बाहर आने की शुभकामना करता हूँ, जो सकुशल बाहर आए। लेकिन 5 दिन तक अभी तक यहाँ पर कोई भी कार्य कुछ नहीं हुआ है, जीरो कार्य हुआ है। जो भी इनकी मशीन कभी कुछ होता है सारा जीरो कार्य हो रहा है, कुछ कार्य नहीं हुआ है, हमारे दिन में कुछ नहीं हुआ है। ये काम ढीला हो रहा है ना, इस वजह से ठीक करो। क्या होता है नहीं रहा है।
ये ऑप्शन चाहिए ना, एक आदमी काम करने भेजो, दूसरा किसी को तैयार रखना चाहिए, ये कोई भी आदमी रहता है। इसी के काम कर चंकी नायक, मैं झारखंड से हूँ। समस्या यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, पूरा बहुत जुलम हो रहा है। हम चाहते हैं कि कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोग का आदमी पूरा सुरक्षित निकल जाए, वही चाहते हैं सर। हम लोग का झारखंड से 15-16 आदमी है टोटल, कितना 50 ना कितना आदमी है अंदर में। दिक्कत हो रहा है, वही नहीं देख नहीं पा रहे उन लोग को, खाना खा रहा कि नहीं खा रहा, वो चीज दिक्कत है। उन लोग के चक्कर में हम लोग भी कुछ खाए नहीं उस दिन से। मेरा अपना भगना है अंदर, अपना भागीना है जी, मतलब जो फंसा हुआ है मेरा भागीना है। बात हो रहा है, बात हो पा रहा है, बोल रहा ठीक है, लेकिन वो लोग बोल रहा कि कब तक निकालो, जब भी बात कर रहा वही बात बोल रहा है। कितना वो लोग को झूठ बोलते जाएंगे, अब 5 दिन हो गए, क्यों नहीं निकालो? जितना भी हेल्प टीम मंगाया ना, सब मेज में जाके खाना खा के आ रहा, कुछ कर ही नहीं रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। बोला कल मशीन अगर यही हुआ कंप्लीट नहीं हुआ, मशीन में फेल हो गया, उसके बोला सुबह तक आएगा, अभी तक आया नहीं। ए मिशन फेल हुआ तो बी मिशन तो तैयार करके रखना चाहिए था यहाँ पे। अगर वो भी मिशन अगर फेल हो जाएगा, खुदा न खास भगवान न करे कि वो मिशन सक्सेस हो, सभी का हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वो मिशन बाय चांस अगर फेल हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर हम लोग को 5 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें तो आदमी क्या करेगा? भूखा प्यास में हम लोग कोई सोच से खाना भी नहीं देता है अंदर, नहीं सो पा रहे हैं। ये लोग दिन चुका के रखा है, आज निकल जाएगा, सुबह को निकलेगा, सर रात को निकल जाएगा, ऐसे करते करते कितना चुका चुका हम लोग रखेंगे। अब बोल रहे हैं कि निकालेंगे, कब निकालेंगे? आज 5 दिन हो गया, 5 दिन से पे मिशन पे मिशन कर दे तो आज वो बाहर होते, और अगर ये होते कोई बोल नहीं रहा कुछ, इसका मतलब ये है कि खाने पीने के लिए पूरा मिल रहा है, क्या मजाक दिखा रहा है? आज कल शूटिंग से खाली शूटिंग कर रहे, कुछ कम कर नहीं है, दुर्घटना नहीं होता, सेफ्टी से भी काम नहीं हुआ अच्छा से, कोई चीज है सारा कल शूटिंग कर रहा है अच्छा से, अगर सेफ्टी में भी काम होता तो दुर्घटना नहीं होता उतना। सेफ्टी वाले खाली क्या रहे, सेफ्टी वाले होते तो अंदर फंसे हुए होते, सेफ्टी भी कोई अंदर है फंसा नहीं, फंसा है सिर्फ वर्कर से फंसा है, लेबर लोग कहीं फंसा है,